पर गाइज आपका फिर से बिग 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 वेलकम हमारे इस टेक लीनियर चैनल में। मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे और आज का जो ये वीडियो है खासकर उनके लिए है जिनको कैमरा सेंट्रिक और परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन बाय करना है, फ्लैगशिप स्मार्टफोन बाय करना है इन 50,000 रुपीज और सारी की सारी चीज़ें उसमें फ्लैगशिप लगी हो, तो ये वीडियो खासकर उनके लिए है। इसीलिए मेरी वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और आपको स्मार्टफोन अगर ऐसा नहीं चाहिए तो क्या होगा, मेरी वीडियो को अंत तक देखिए, हो सकता है मन कर ही जाए आखिरी में लेने के लिए। तो इसीलिए जल्दी से जाकर चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए। तब तक हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो गाइस आज आपको मैं बताने वाला हूँ मैंने क्यों कैमरा सेंटर किसी स्मार्टफोन को बोला था, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, वो भी 50 और 50 मेगापिक्सल का। गाइस आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर कैमरा भी मिल रहा है, अल्ट्रा वाइड भी 50 का है और यहाँ तक कि टेलीफोटो लेंस भी 50 मेगापिक्सल का। गाइस इतना अच्छा कैमरा मॉड्यूल सिस्टम इसमें दिया गया है कि मुझसे बड़ाई करते नहीं माना गया। गाइस अब आपको थोड़ी सी फोटोज दिखाएंगे, उसके हिसाब से आपको समझाएंगे कि इसका कैमरा क्यों अच्छा है। गाइस चलिए देखिए इसकी फोटोज को और समझिए इसको। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है ये 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है। इसमें देखिए जैसे जो है पीछे समुद्र दिख रहा है, ये दो लोग दिख रहे हैं, एक गर्ल है एक बॉय है और साथ साथ में इसमें जो ये पहाड़ दिख रहा है, पत्थर दिख रहे हैं, जिस तरीके का ये सीन आ रहा है उसके हिसाब से ये कितने ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पीनेस फोटो आ रही है इसकी। 50 मेगापिक्सल का ये मेन कैमरा है। अब दूसरी फोटो अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये टेलीफोटो लेंस है। ये टेलीफोटो लेंस इसकी बिल्कुल मतलब इस तरीके से दिखाया गया है इस फोटो में कि मतलब इसका टेलीफोटो लेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है गाइस। और तीसरी फोटो अगर आपको दिखाया तो ये अल्ट्रा वाइड एंगल है, जिस तरीके से आपको दिख रहा है कितना ज़्यादा वाइड एंगल लेंस ले रहा है ये। और इसीलिए इस कैमरे में जो है क्योंकि 50 मेगापिक्सल का गाइस ये कैमरा है तो उसके हिसाब से आपके जो पिक्सल्स होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे अगर आप इसको बड़ी स्क्रीन में भी देखना चाहो, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी फोटोज आने वाली हैं आपके लिए। हाँ तो गाइस इसमें जो मेन सेंसर जो 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसमें सोनी का IMX707 सेंसर लगा हुआ है, जो कि सबसे पहला सेंसर लगा है किसी स्मार्टफोन में और जो कि 120% मोर लाइट एब्जॉर्व कर सकता है किसी और सेंसर से। इसका सेंसर साइज भी आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा बड़ा सेंसर साइज इसका है सोनी ने जो लगाया हुआ है इसमें, मतलब सोनी ने मतलब शाओमी ने जो 12 प्रो में जो लगा हुआ है सोनी कंपनी का ये सेंसर है और बहुत ज़्यादा अच्छी फोटोज के साथ उसके हिसाब से आप वीडियो की भी जल्दी आपको जल्दी से बात बता देते हैं आगे कि आपको ये वीडियो आपको दिख रही है गाइस। इसमें आपको दिख रहा होगा कि अल्ट्रा नाइट वीडियो आप इसमें शूट कर सकते हो और अंडर द डिम लाइट इसमें मतलब देख रहे होंगे डिम लाइट में भी कितनी अच्छी तरीके से वीडियो शूट हो रही है। टाइमिंग भी बगल में दिखा रहा है आपको 11:59 में ये वीडियो शूट हो रही है और कितनी अच्छी तरीके से ये वीडियो शूट हुई है, कलर के हिसाब से भी परफेक्ट तरीके से शूट हुई है। और गाइस अब आगे चलते हैं, इसमें फोकस सिस्टम आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे ये देखिए ये मैन है, ये चल रहे हैं, इसमें ऑटो फोकस सिस्टम कितनी अच्छी तरीके से आदमी को कर रहा है। जैसे आदमी चलना शुरू कर रहा है तो फोकस कभी भी नहीं छोड़ता, जैसे सामने पिलर आया उसके बावजूद कितने सारे पिलर आ रहे हैं उसके बावजूद ये फोकस नहीं छोड़ रहा है। अगर आपको दिखाएं आई ट्रैकिंग, तो अगर आई ट्रैकिंग में आप क्लिक करते हैं तो आई ट्रैकिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रहा है। मोशन सेंसर कैमरा करते हैं तो मोशन भी बिल्कुल आपके फेस को डिटेक्ट करके चलता रहेगा, ये आप दौड़ेंगे उसके बावजूद आपको अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर लेगा ये कैमरा। गाइज अब बात करते हैं इसके HDR व्यू की, HDR व्यू इसमें किस तरीके का आता है। गाइज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंस लग रही है, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया है तो इसके लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा, थोड़ा सा इसके हिसाब से देख लीजिए गाइज मेरे आवाज़ क्योंकि थोड़ी सी खराब है। अब HDR व्यू की बात करें गाइज, पोर्ट्रेट HDR व्यू आपको ब्यूटी दिख रही होगी, जैसे एक गर्ल खड़ी है और साथ साथ में आपको बैक में इसमें आपको आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं और मतलब आपको HDR व्यू पता है ना, एक साथ कई सारी फोटोज लेता है उसको मर्ज करता है आपस में, तो इसकी HDR व्यू भी देखिए कितनी ज़्यादा अच्छे है। जो स्काई है वो परफेक्ट ब्लू कलर की दिख रही है, पेड़ भी पीछे के बिल्कुल ग्रीन कलर के अच्छे से दिख रहे हैं और साथ में जो गर्ल खड़ी है उसका रेड कलर भी परफेक्ट तरीके से आ रहा है। HDR व्यू भी इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से गायब है। आपको कैसा लगा HDR व्यू इसका वीडियो व्यू मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ तो गाइस अगर इसकी डिस्प्ले की बात करी जाए तो अगर इसमें कैमरा अगर फ्लैगशिप लगा तो इसका डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले है। इसमें आपको बता दूं इसमें आपको 6.73 इंच का 2K एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि LTPO डिस्प्ले है गाइस। इसमें आपको 1Hz से लेकर के 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता है, अडाप्टिव रिफ्रेश रेट है जो कि आप जब यूज़ नहीं कर रहे हो तो 1Hz में चलेगा, जिस हिसाब से यूज होगा उसके हिसाब से रिफ्रेश रेट अडाप्टिव करता रहेगा अपने आप को। और साथ साथ में इसमें आपको 480Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी मिल रहा है गाइस और इसमें आपको HDR10+ डॉल्बी विजन मतलब A+ रेटिंग के साथ आपको मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि इस कैमरे डिस्प्ले में ना दी गई हो गाइस। तो डिस्प्ले भी इसका एक नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस डिस्प्ले है और एक चीज़ आपको बता दूं कर्व डिस्प्ले भी है इसमें, तो लुक वाइज डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ साथ में इसमें जो LTPO डिस्प्ले होते हैं ना गाइस वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं जो कि 1 बिलियन कलर के साथ आएगा ये डिस्प्ले, जो कि इसमें 10 बिट की क्योंकि इसमें आपको स्क्रीन लगी हुई है गाइस। और आपको इसमें साथ में सेफ्टी की बात करी जाए, अगर सिक्योरिटी की मतलब सेफ्टी की बात है तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस आपको फ्रंट में मिलता है जो कि और ज़्यादा मजबूत बना देता है आपकी डिस्प्ले को गाइस।
कि आपको वीडियो में गाइस दिख रहा है, इसमें क्वाड स्पीकर सिस्टम आपको मिल जाता है जो कि JBL बाय हार्मन कार्डन की तरफ से स्पीकर मिलता है और डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करता है गाइस, क्योंकि इसमें आपको चार स्पीकर मिलते हैं जैसे कि आपको दिख रहा है। तो यार आपको वॉइस भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की आपको इसमें मिलने वाली है, स्पीकर भी हार्मन कार्डन का है तो क्रिस्टल क्लियर हाई ट्रबल हाई बास के साथ ही आने वाला है इसका स्पीकर। और यार पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा मेरे ख्याल से जिसमें आपको क्वाड स्पीकर सिस्टम मिल रहा है किसी एक स्मार्टफोन में। तो यार मेरे ख्याल से यार देखिए आपकी डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है ही है, तो आपको स्पीकर भी जब आप डॉल्बी एटमॉस के साथ देखेंगे और डॉल्बी विजन भी इसमें दिया गया है, तो HDR 10 प्लस में जब कोई कंटेंट देखोगे ना नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम पे, तो मैं तो 100% श्योर हुआ ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाए तो यार मैं परचेज करने की सोच रहा हूँ इस वाले स्मार्टफोन को। तो गाइस अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसे कि आपको पता है इसमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो आपको इसमें 8th Gen 1 प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि गेमिंग सेंट्रिक किसी भी हिसाब से, यार गेमिंग तो एक छोटी छोटी चीज हो गई, इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का ये स्मार्टफोन आता है। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है गाइस, इसकी अगर परफॉर्मेंस आपको दिखेगी तो ये 20% मोर फास्टर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 से। बाकी अगर इसकी एंड्रियो GPU की बात करें तो 30% मोर फास्टर इसका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 से। और अगर इसकी जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इंजन की बात करें तो 400% फास्टर है स्नैपड्रैगन 888 से। इतना ज़्यादा ऐसा अच्छा ये इसमें परफॉर्मेंस सेंट्रिक एक प्रोसेसर लगाया गया है जो कि बताता है कि इसमें एक बूस्टर एक सिस्टम लगा हुआ है स्मार्टफोन में। जब आप उस बूस्टर मोड को ऑन कर देते हो तो इसका जो अंतुतु स्कोर है गाइस वो 10 लाख के भी पार कर जाता है आप जब उसको ऑन करते हो। तो वैसे नॉर्मली इसका अंतुतु स्कोर 9,80,000 आता है, लेकिन जब बूस्टर मोड ऑन कर देते हो तो इसका जो अंतुतु स्कोर है वो 10 लाख को भी पार कर जाता है गाइस। अब गाइस अगली बात करते हैं इसकी कूलिंग सिस्टम, क्योंकि यार इतना अच्छा प्रोसेसर लगा तो कूलिंग सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। तो जैसे कि गाइस आपको फोटो में दिख रहा है इसमें आपको जो है 2900 mm स्क्वायर का इसमें सुपर बिग वेपर जो है चैम्बर लगा हुआ है जो कि आपके परफॉर्मेंस वाइज आपके स्मार्टफोन को ठंडा भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करेगा। काफ़ी बड़ा वेपर चैम्बर इसमें लगा हुआ है, आपके जो परफॉर्मेंस जो प्रोसेसर है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ठंडा भी कर सकेगा ये स्मार्टफोन को। पहले तो आपको बता दूँ ये जो स्मार्टफोन की जो लॉन्चिंग है वो आपको 27 अप्रैल को मिल रही है और मार्केट में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 to 10 May में आपके मार्केट में आ भी जाएगा। 3 स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं इसमें, Xiaomi 12 Pro जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा था, Xiaomi 12 और Xiaomi 12X, ये 3 स्मार्टफोन जो है Xiaomi कंपनी की तरफ से फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं गाइस। तो मैं Xiaomi 12 Pro की आपसे बात कर रहा था, तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है अनुमान लगाई जा रही है गाइस, क्योंकि ये चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है तो चाइना में इसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग 4,000+ yuan कुछ चल रही है। तो मेरे ख्याल से इंडिया में कन्वर्ट करते हो तो आपको 50,000 या 55,000 rupees आती है। अगर ये स्मार्टफोन 60,000 rupees में भी लॉन्च होता है ना तो यार तब भी स्मार्टफोन एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन होगा, क्योंकि इतना बढ़िया डिस्प्ले के साथ ऐसी कोई चीज नहीं है यार इस स्मार्टफोन में जो छोड़ी गई हो। मैं इसका कंपैरिजन 100% करने वाला हूं आपका वीवो के मतलब IQ के 9 प्रो स्मार्टफोन से और OnePlus 10 प्रो स्मार्टफोन से, इन दोनों स्मार्टफोन से इसका मैं कंपेयरिंग लाऊंगा। आपको कंपेयरिंग चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा गाइस। और इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यार ऑन पेपर जितनी चीजें अभी तक लिखी हैं उतनी चीजें अगर वाकई में अच्छी तरीके से काम करती है तो यार 100% स्मार्टफोन का आपको बाई करना चाहिए। और कहीं अगर ये 55,000 rupees का स्मार्टफोन आ गया तो यार ये IQ और OnePlus 10 Pro को तो खा ही जाएगा, इतना ज़्यादा ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस का ये स्मार्टफोन आने वाला है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मजा आया, यहाँ तक कि मैं भी इसको परचेज करने की सोच रहा हूँ। अगर ये स्मार्टफोन अच्छा रहा तो मैं 100% इस स्मार्टफोन को 1 महीने बाद खरीद लूँगा और रिव्यू जरूर लेकर आऊँगा अगर इसका खरीदूंगा मैं आपके लिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। आपको अगर कोई वीडियो को जरूरत होती है कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाया करूंगा गाइस। और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से ग्रो कर दो गाइस, मोनेटाइजेशन अभी मेरा ऑन नहीं हुआ तो मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाए, थोड़ा सा पैसा आना शुरू हो जाए YouTube की तरफ से। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी करते हुए जाने, क्योंकि सब्सक्राइबर भी जल्दी से हो जाए मेरे पूरे पूरे, और साथ साथ में बेल आइकन को भी ऑल कर लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।